तो वेलकम है गाइस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बी कॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स में जिन लोगों ने आप लोगों ने मतलब जिनमें से कॉरपोरेट लॉ रखा है उनका क्वेश्चन पेपर इसी टाइप का आएगा। चाहे आपका यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, भारत के अंतर्गत बता रहा हूँ, भारत के अंडर में चाहे आपका यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कोई सी भी विश्वविद्यालय से पढ़ते हो, अगर आपने कॉरपोरेट लॉ रखा है तो सेमेस्टर टू में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब आइए देखते हैं बी कॉम कॉरपोरेट लॉ एंड पेपर है आपका कॉर पेपर 4, ठीक है। कॉर पेपर 3 भी अपलोड किया जा चुका है, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, उसमें भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 17 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स 80 हैं, समय 3 घंटे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 32 नंबर है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स 100 होता है, वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40 नंबर का होता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। इस पेपर में जितने भी हैं क्वेश्चन उनमें से किसी 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। मतलब कि प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद किसी अन्य 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। और इस पेपर को पढ़ने के बाद मतलब इसका मेन मोटो उद्देश्य यही था कि आप कॉरपोरेट लॉ कि एक कंपनी के संबंधित जितने भी कानून होते हैं उन सभी चीज़ों को जान लें, ठीक है, ताकि आगे चलकर जब आप कंपनी संभाल लेंगे हो सकता है भविष्य में तो आपको इन सब चीज़ों मालूम होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आंसर आपको स्वयं फाइंड आउट करना है या तो अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शब्दों की व्याख्या 2 वाक्यों में कीजिए, ज़्यादा नहीं 2 वाक्य, 2 से 3 सेंटेंस लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। तो सबसे पहला है आपका कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की परिभाषा देना है। डिफाइन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग डिफिनेशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 हो जाएगा ये मुझे 2013 ना 2013। बी नंबर है निष्क्रिय कंपनियां, यानी कि जो अभी कार्यरत नहीं है वैसी कंपनी को निष्क्रिय कंपनियां कहा जाता है, यानी कि डिफंक्ट कंपनीज के बारे में बताना है। सी नंबर है आपका पार्षद सीमा नियम क्या है वो बताना है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद चौथा है आपका पार्षद अंतर नियम का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ई नंबर है प्रविवरण क्यों निर्गमित किया जाता है, वाई प्रोस्पेक्टस इशूड। आज बहुत ज़ोर से आवाज़ चल रहा है, आपको शायद आवाज़ उतना क्लियरली नहीं सुनाई देता होगा। एफ नंबर है आपका अतिरिक्त अधिकार अंश का जारी करना, यानी कि फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। जी नंबर है विशेष प्रस्ताव यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन। एच नंबर है प्रति पुरुष से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्सी। आई नंबर है कंपनी का समापक यानी कि लिक्विडेटर ऑफ कंपनी। जे नंबर कंपनी का समापन यानी कि विंडिंग ऑफ अप ऑफ कंपनी। एंड यहां से शुरू होते हैं आपके सभी 15 अंकों वाले प्रश्न, और 15 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको कोशिश कीजिएगा कि अच्छा खासा 3 पेज में दे दें, 3 पेज मतलब कि 3 खड़ा पन्ना, 6 पेज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला है निजी एवं सार्वजनिक कंपनी की व्याख्या उसकी विशेषताओं के साथ कीजिए, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर भी ज्ञात कीजिए। एक्सप्लेन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें। डिफाइन कंपनी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा प्रश्न है आपका कि कंपनी का समापन क्या है, समापन और विघटन में अंतर कीजिए। समापक की नियुक्ति उसे हटाना और उसकी बदली करना प्रक्रिया की विवेचना करें। व्हाट इज विंडिंग अप ऑफ कंपनी, डिस्टिंग्विश बिटवीन विंडिंग अप एंड डिजोल्यूशन, ऑल्सो डिस्क्राइब अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट होते हैं अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट प्रोसीजर ऑफ लिक्विडेटर। तो
तो बहुत ज़ोर से हवा चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कंपनी का समापन क्या है? समापन और विघटन में अंतर कीजिए, समापक की नियुक्ति, ये हो गया। 5 नंबर है, पार्षद सीमा नियम क्या है? किस प्रकार और किस सीमा तक पार्षद सीमा नियम में संशोधन किया जा सकता है? व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट कैन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बी अमेंडेड? एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड ऑल्सो डिस्कस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग इशू एंड रिडीमेप्शन। आ गए बाबू? नहीं गए, बोले थे ना मत जाइए। रिडेम्पशन ऑफ रिफरेंसेस शेयर, जल्दी जाइए नहीं तो पानी आ जाएगा। तो ये मेरे घर के बच्चे थे जो जंगल की ओर आ रहे थे जामुन खाने, इसलिए मैंने बताया कि यार घूम चलो। तो इसका हिंदी है, पूर्वाधिकार अंश से क्या समझते हैं? इसके प्रकारों की व्याख्या करें और पूर्वाधिकार अंशों का जारी करना एवं उनका शोधन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों की भी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निदेशक को परिभाषित करें एवं स्वतंत्र निदेशक कौन है, इनके कर्तव्यों की व्याख्या करें। डिफाइन डायरेक्टर, डायरेक्टर को बताना है कि डायरेक्टर कौन होता है। हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक स्वतंत्र निदेशक, स्वतंत्र डायरेक्टर कौन होते हैं, एक्सप्लेन करना है। एंड इसकी ड्यूटीज़ कौन कौन से कर्तव्य हैं, उन सब चीज़ों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यता की व्याख्या करें। अंकेक्षकों की शक्तियों और कर्तव्यों की विवेचना कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑल्सो डिस्कस पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स। तो ये था आपका बीकॉम सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4। इसके बाद अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे जी का देखना हो, जनरिक इलेक्टिव जिसे आप लोग बोलते हैं, या फिर AECC का देखना हो, या फिर सेमेस्टर 4, 5, 6 जो भी देखना चाहते हैं, PG, BCom, BA, MA, BEd, DLED, PhD, सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। एंड आपके साथ कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जरूर ही कर रहा होगा आपके कोई दोस्त, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए, वे भी क्वेश्चन पेपर देख के जाएँ, तो आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और मुझे इसका आंसर इस टाइप से देने वाला है, जिससे कि आपके जो मार्क्स अच्छे से गेन कर पाएँ। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड एग्जाम की सबसे बड़ी ट्रिक होती है दोस्तों कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या ना आए। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।